आज मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम RTI 2005 के तहत प्रपत्र को में लगने वाले शुल्क के रूप में प्रयुक्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का जो दिया जाता है उसे कैसे भरेंगे इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग लगातार इस वीडियो से बने रहें। हमारे पास यह 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, आप लोग देख रहे हैं, इसे कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं अभी देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें। कृपया आप लोग देखेंगे कि जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी को लगाएंगे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे लोक सूचना पदाधिकारी या PIO, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं PIO, यहाँ कार्यालय का नाम लिखेंगे जैसे अंचल कार्यालय, उस अंचल कार्यालय का नाम लिख देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ अपना पूरा पता लिखेंगे, अपना नाम पता जिला पिन कोड सहित इस प्रकार हम लोग भर देंगे। यहाँ जिस डाकघर में या भेजेंगे जैसे अंचल कार्यालय आलम नगर या जिस कार्यालय का पता यहाँ जो होगा वही पता यहाँ लिखेंगे। जैसे मान के चलते हैं हम लोग आलम नगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी आलम नगर लिखेंगे। इसके बाद इसे क्रॉस कर देंगे इस प्रकार। उसके बाद यहाँ लिख देंगे PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना पदाधिकारी, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिख देंगे अंचल कार्यालय आलम नगर। फिर उसी प्रकार यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ डाकघर लिखेंगे आलम नगर। क्रॉस किया है यहाँ हाँ भर देंगे। फिर यहाँ जिस तारीख को हम लोग PIO भेजेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उस तारीख का नाम लिखेंगे, जैसे आज 4 तारीख है 4 फरवरी 2022, इस प्रकार करके भर देंगे। और इसे हम लोग ये जो है इसको कट करके अपने पास रखेंगे, इसको प्रपत्र को में सूचना के अधिकार अधिनियम में जो फॉर्म भरा गया है उसको उसके साथ लगा करके हम लोग अटैच करके लोक सूचना पदाधिकारी के पते पर भेज देंगे। आप लोग इसको ठीक से भर लेंगे उसके बाद प्रपत्र को के साथ इसे लगाकर भेज देंगे। जय हिंद।